Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. So now electron enthalpy, the heading dalo, trends from left to right किसके लिए देखेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और टॉप टू बॉटम। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट का, पहला लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो लेफ्ट राइट जनरली इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर बात करें तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? इजिली गेन कर लेगा, तो इसीलिए इजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो कौन गेन करेगा इजिली इलेक्ट्रॉन गेन? जिसका साइज छोटा होगा। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? छोटा। तो साइज के अगर हम बारे में बात करें तो लिथियम लार्जर, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, साइज इसका छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन कार्बन देन बोरॉन देन बेरिलियम देन लिथियम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हम एक्सेप्शन चेक करते हैं। तो दो जगह इसमें एक्सेप्शन आता है, जैसे वहां पर आता था आयोनेशन एंथैल्पी में, तो आयोनेशन एंथैल्पी में यहां एक्सेप्शन आता था, यहां पर यहां आएगा, तो एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होगा? एक्चुअल में सीक्वेंस ये होगा। यहां नाइट्रोजन यहां होता है, बोरॉन के भी पीछे भाग जाता है, यहां पर कुछ सीक्वेंस इस तरह से होता है, ये नाइट्रोजन इसके पीछे ही भाग जाता है, बराबर है? ये पहले चला आता है, पहले आप इसको लिखो ऐसे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको वहां लगे जाएंगे। ये इसको अल्टरनेट चेंज कर दो, इसको यहां लिखो और इसको यहां लिखो, ये एज इट इज, इसको यहां लिखो इसको यहां लिखो। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो जगह लेफ्ट टू राइट अगर गए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट गए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी विल इंक्रीज, बट नॉट ए रेगुलर वे, जनरली। तो लिख लेना स्टेटमेंट को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज बट नॉट ए रेगुलर वे। ये दो एक्सेप्शन को हम अलग से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, अगर हम यहां नियॉन लिख दे तो नियॉन सबसे पीछे चला जाएगा, नियॉन इज लिस्ट, कोई प्रॉब्लम? तो लेफ्ट टू राइट आयनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज बट नॉट ए रेगुलर वे। ओके, अंडरस्टूड ना? ओके, नाउ
अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम का, ठीक है, टॉप टू बॉटम, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, चलो फ्लोरीन वाला ही लेते हैं, तो लेकिन एक्सेप्शन आता है तो हम जनरली बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन थेल्पी किसका होगा, सबसे ज्यादा छोटा साइज ये है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये होना चाहिए था रेगुलर वे में, लेकिन रेगुलर वे में नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ फ्लोरीन पीछे भागता है। अब क्यों ऐसा होता है वो मैं बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताया था कि क्लोरीन जो है वो किंग है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, ये मोस्ट एनर्जी, लार्ज एनर्जी रिलीज करता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है। अगर चार ऑप्शन में से एक भी दिखे तो बिना सोचे समझे कोई भी एलिमेंट आ जाए, सबसे हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में ये किंग है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है। क्यों होता है इससे ज्यादा वो हम बात करेंगे। तो टॉप टू बॉटम हम रेगुलर वे में नहीं बोल सकते, और ऑक्सीजन वाला भी प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन वाले में क्या होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, अब इसमें भी प्रॉब्लम है, साइज छोटा है तो ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन होता है क्या, ये पीछे भाग जाता है सबसे। अब ये क्यों पीछे भागता है इसका रीजन मैं बताऊंगा, पहले हम समझ तो लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन नॉट ए रेगुलर वे। तो टॉप टू बॉटम फाइनल कंक्लूजन हमारा ये हुआ, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, लेकिन नॉट ए रेगुलर वे, नॉट ए रेगुलर वे, एक रेगुलर तरीके में नहीं हो रहा है, रेगुलरिटी नहीं हो रही है, जिससे यहां पर रेगुलरिटी समाप्त हो गया है, जबकि यहां पर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होता तो रेगुलर होता, ये गलत है ये लिखा हुआ, यहां पर ये ऑक्सीजन पीछे भागता है। क्यों ऐसा होता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आया, टॉप टू बॉटम। तो अब क्या बोलोगे, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज इन जनरली जनरल वे, नॉट ए रेगुलर वे, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, नॉट ए रेगुलर वे। ओके, गॉट इट, हैव यू एनी प्रॉब्लम, ट्रेंड्स टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर ध्यान देते हैं, हम यहां पर ध्यान दो, पहले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया सोडियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ध्यान से सुनना, तो दिस वन इज कॉल्ड आयोनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, यही बोलेंगे ना, यहां से यहां जाना आयोनेशन एनर्जी। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बना, अब ध्यान देना, अगर सोडियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा। तो लूज करने को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और गेन करने को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मोड वाइज बोले तो साइन वाइज नहीं, ये तो निगेटिव मतलब होगा, तो मोड वाइज दोनों इक्वल होता है, मतलब साइन नहीं। तो ये वैल्यू यानी जितना लूज करने में लगेगा उतना गेन करने में उतना रिलीज कर देगा वो, यानी यहां से यहां जाने में अगर 10 जूल लगा है, 10 जूल एनर्जी हमने दिया है, तो यहां से यहां जाने में वही 10 जूल क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जैसा मान लो टेरिस पे खड़े हैं, और टेरिस पे यहां से यहां हमें जंप मारना है, तो जब जंप मार रहे हैं तो हम मान लो 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, अब नीचे से हमें ऊपर जाना है तो यही 50 किलो जूल एब्जॉर्ब करेंगे, यहां से अगर टेरिस पे जाना है
तो हम 50 किलो जूल एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे अगर हम कूद रहे हैं तो 50 किलो जूल रिलीज कर रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 50 किलो जूल एब्जॉर्ब कर लेंगे हम। तो दोनों मोड वाइज, साइन वाइज नहीं, मोड वाइज, मतलब मोड में दोनों वैल्यू वाइज इक्वल है। तो यहां से यहां जा रहे हैं हम तो 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहां से यहां जाने में, सॉरी, यहां से यहां जा रहे हैं तो 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वह यहां से यहां जाने में 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से यहां जाने का मतलब IE1 और यहां से यहां जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ Na+, इसका नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, इसका। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही आपसे वॉल्यूम में क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बोला था जब आयनेशन एन्थैल्पी पढ़ा लूंगा तो आपको बताऊंगा। तो देखो IE1 ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। ये चीज समझ में आया, यहां पर यहां से यहां जाना एक जो होगा, यहां से यहां जाना एक जो होगा, ठीक है। तो ये हम मोड में केवल वैल्यू, हम उसके वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, साइन को नहीं, कि रिलीज किया है कि नहीं किया है, साइन को कंपेयर नहीं करना है कि प्लस है कि माइनस है, वैल्यू केवल कंपेयर करना है। तो यहां से यहां जाने में अगर 10 किलो जूल लगा है, यहां से यहां जाने में अगर 10 किलो जूल लगा है, तो यहां से यहां जाने में वही 10 किलो जूल रिलीज कर देगा। तो यहां से यहां जाने को हम क्या बोलेंगे, IE1, और यहां से यहां जाने को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। तो यहां से यहां जाना मतलब IE1 ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। तो ये मोड में, मतलब साइन मोड में अगर हम ले रहे हैं तो इक्वल है, कुल मिला के वैल्यू आपको कंपेयर करना है, वैल्यू बराबर होता है, कोई प्रॉब्लम। तो अगर यहां पर हम देखेंगे एमजी से बन गया एमजी प्लस और एमजी प्लस से बन गया एमजी प्लस। अब देखो, ध्यान दो, अब ऐसे पूछेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, IE2। अब केवल ऐसा नहीं कि केवल एमजी पे आएगा, एमजी प्लस से गया हम MG+2 गए। तो मान लो हमने 10 किलो जूल एनर्जी दिया, या मान लो 20 किलो जूल दिया, तो यहां से यहां जाने में 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज IE2 लिखेंगे, IE2 लिखेंगे ना, और इसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। देखो कैसे लिखेंगे हम, IE2 ऑफ MG+, IE2 ऑफ MG+, बराबर है ना, IE2 प्लस MG+ इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ, क्या लिखोगे, MG+ या MG+2, तो हम बोलेंगे MG+2, यहां से यहां आना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आप उसको लिख लो क्लियर। तो दिस वन इज IE2, यहां से यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना IE2, जो एनर्जी यहां लगेगा तो बैक साइड आने में वही एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ MG+2 दोनों वैल्यू वाइज बराबर होगा, बराबर है ना सब है। तो जो चीजें नहीं समझ में आए उसको लिख लिया करो यहां पे कि IE क्या पूछ रहा है, जैसे लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब यहां तुमसे क्वेश्चन घुमा के यहां पूछ देगा कि IE1, यहां IE1 जैसे ही लिखेगा आंसर गलत हो जाएगा, तो आप कैसे समझोगे आंसर गलत लिख दिया हमने, ये ऑप्शन गलत है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ MG+2 पूछा है, तो यहां से यहां आना है और यहां IE1 दिया है, आपसे ये बोल रहा है ये, तो ये नहीं, ये वाला एनर्जी होगा ना, तो आपसे भुलवा के पूछेगा, तो आपको उस समय डिसीजन लेना पड़ेगा। अब इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसके बारे में अगर हम लिखे तो एमजी से बना MG+ बना ना, और यहां से बना ये,
तो मान लो इसमें 15 जूल लगा तो यहाँ 15 जूल क्या होगा, रिलीज होगा होगा। तो हम यहां से यहां जाने को क्या बोलेंगे, IE1। तो देखो कैसे लिखेंगे, IE1 ऑफ MG इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी ऑफ MG प्लस, क्योंकि हम यहां से यहां आ रहे हैं इसीलिए हम इसको लिखेंगे, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब समझ में आया क्या लिखा हमने, तो यहां कुछ भी अगर इसके अलावा लिखता है तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ये रॉन्ग अगर इसके अलावा कुछ भी लिखता है तो इसमें कुछ ज्यादा तिकड़म नहीं करना है, आसानी से आ जाएगा ये। तो आप चीजें समझोगे तब आसानी से आएगा कि यहां से यहां जाना IE1 ऑफ MG बोलते हैं, यहां से यहां आना इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी बोलते हैं, तो किसका लिखेंगे, यहां MG प्लस लिखेंगे। हो जाए, हो सकता है कि भुलवाने के लिए आपसे MG लिख दे तो गलत हो जाएगा, हो सकता है यहां MG प्लस लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो क्लियर के लिए चीजें हमें क्या आना चाहिए कि कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाला जा रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और यहां इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। तो जो लूज करेगा उसका नाम लेंगे और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका नाम लेंगे। तो यहाँ MG प्लस का नाम लेंगे और यहाँ MG का नाम लेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख लिया करो, वो चीजें क्लियर समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा वहां पे। तो जब भी IE1 IE2 IE3 की बात करे इस लैंग्वेज में आप लिख लिया करो ऐसे, और लिख के तब सोचोगे क्या है। अब जैसे मान लो एल्यूमिनियम के लिए पूछ लिया कि एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, तो देखो किसी के लिए पूछ दे तो हमें पहले लिख लो, अब एल्यूमिनियम का कौन क्या होगा पहले लिख लो। तो जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ता है ना, कौन गलती है कौन सही है, तो उस पर हमें जजमेंट करना पड़ता है। तो जजमेंट करने के लिए बता रहा हूं। अब यहां से यहां जाना क्या बोलेंगे, अब इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, अलग अलग मैं लिख रहा हूं। यहां से यहां जाना क्या बोलेंगे हम, IE1, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां से यहां जाने में एनर्जी और यहां से आने में इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी दोनों बराबर होगा ना वैल्यू वाइज। तो हम लिखेंगे IE1 ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, हो गया हमारा काम। हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां इंटर कराया इसलिए हम इसका नाम लिए, हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज करवाया इसलिए इसका नाम लिए हम, बराबर है क्या। अब मान लो यहां लिखना हुआ, देखो कैसे लिखेंगे, यहां वाला देखो, यहां वाला तो लिख दिया हमने, अब यहां वाला देखो कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम प्लस टू गए ना, तो यहां से क्या बोलेंगे IE2, इसका E2 बोलेंगे, तो IE2 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इज इक्वल टू, IE2 यहां से यहां जा रहा है तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ, अब तुम बोलोगे सर यहां सेकेंड आप नहीं लिख रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, अब मैं बोलूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी सेकेंड लिखने का कोई मतलब नहीं है सर, फिर IE1 है यहां लिख सकते, नहीं IE1 डिफाइन है, वो न्यूट्रल एटम से निकलता है आयोनेशन, ये IE1 न्यूट्रल एटम से ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी 1 और 2 नहीं बोला जाता एक्चुअल में, तो उसको यहाँ ये बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ AL+2, यानी यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को इंटर करवा रहे हैं। तो IE1 IE2 लिखा जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी 1 और 2 नहीं लिखा जाता है, बराबर है क्या, क्योंकि IE1 उसको, अब यहां सर आप IE1 क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि IE1 जो है वो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने को बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, नहीं कि जहां मन तहां से हम केटायन से निकाल रहे हैं वहां को IE1 बोलेंगे, नहीं वो गलत है। तो ये अब ये सर 1 2 क्यों बोला सही है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अगर हम इसका नाम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में, वो न्यूट्रल एटम में ये सब नहीं बोला जाता, ठीक है। तो यहां पर ये होता है मोड बाय डिफॉल्ट, हमें समझना है, ऐसा नहीं कि लिख के देगा तभी हमें जानना है, ये वैल्यू हम साइन वाइज नहीं वैल्यू वाइज कंपेयर करवाते हैं, तो मोड नहीं भी लिख के देगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां देव ध्यान दो यहां वाला, अब यहां AL+2 से कहां गया AL+3, ठीक है, तो यहां ये IE3 है, तो IE3 डिफाइन है कि IE3 में याद करो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला जाता है डाई पॉजिटिव के टाइम से,
ये डिफिनेशन उसका आई ई थ्री का फिक्स है कि आई ई थ्री हम डाई पॉजिटिव से निकालेंगे, आई ई टू जो है उसके यूनि पॉजिटिव से निकालेंगे, मोनो पॉजिटिव से निकालेंगे। अब ये आई ई थ्री है तो यहां से यहां जाने में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये तो लूज किया है, अल्मोनियम तो वहां लूज किया है, एल प्लस टू लूज किया तो ये बना है, और ये गेन करेगा तो ये बनेगा, यानी यहां लिखेंगे आई ई थ्री ऑफ ए एल प्लस टू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ए एल प्लस थ्री। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वन टू नहीं लिखने की जरूरत है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन कराने को हम बोल देते हैं, लेकिन आई ई थ्री लिखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि अल्मोनियम प्लस से अल्मोनियम प्लस टू में जाना क्या ये आई ई वन है, तो आप बोलोगे नहीं ये आई ई वन नहीं है। आई ई वन कब डिफाइन होता है, जब उसके एक इलेक्ट्रॉन्स निकलने को हम नहीं बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकलने को तो हम आई ई वन बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन कहां से, न्यूट्रल एटम से, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने को हम फर्स्ट आयन एनर्जी नहीं बोलते हैं, फर्स्ट आयनेस एनर्जी उसके न्यूट्रल में निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ता है आपको। ये नहीं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो हम उसको फर्स्ट आयनेस एनर्जी बोलते हैं, नहीं, फर्स्ट आयनेस एनर्जी डिफाइंड है कि वो न्यूट्रल एटम से ही निकलेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाला है तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मतलब वो फर्स्ट आयनेस एनर्जी नहीं हो गया, फर्स्ट आयनेस एनर्जी के साथ साथ एक और जुड़ा हुआ है कि न्यूट्रल एटम से निकालना चाहिए, निकालने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट आयन एनर्जी नहीं है, फर्स्ट आयन एनर्जी न्यूट्रल एटम से ही निकालना चाहिए। सेकेंड आयन एनर्जी में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी सेकेंड वाला निकलता है, लेकिन उसके यूनि पॉजिटिव से निकलता है। थर्ड आयन एनर्जी में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने को आई वन नहीं बोलते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, तो एल्यूमिनियम प्लस टू से, यानी डाई पॉजिटिव से, तब उसको थर्ड बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी वन, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी टू, वो उसका नाम नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी या तो ये नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ऑफ एल्युमिनियम प्लस थ्री। तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है और ये बनाना है। यहां पर पर्टिकुलर यूनि पॉजिटिव और डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में डिफाइन नहीं है। हाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी जरूर नाम लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी जरूर नाम लिया जाता है। ऐसा क्यों नाम लिया जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब जैसे मान लो हमें फ्लोरीन से बना फ्लोरीन माइनस, ठीक है, क्लोरीन से बना क्लोरीन माइनस, एच से बना एच माइनस। अब इस सब केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है, इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। अगर मान लो नियॉन है, नियॉन से बनाना है नियॉन माइनस, सोडियम है, सोडियम से बनाना है सोडियम माइनस। अब बनता तो नहीं है लेकिन बनाना है हमें, तो इस केस में हमें एनर्जी देना पड़ता है, तो इस केस में ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। हमारे लिए अच्छा बात ये है, ठीक है, अच्छा बात, प्लस माना अच्छा बात नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, माइनस माना अच्छा बात है, प्लस माना अच्छा बात नहीं है, तो यहां पर बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। तो दो कैटेगराइज में हम डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी वन और टू नहीं बोला जाता है, ठीक है, वो सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ एल्युमिनियम प्लस थ्री, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आपको गेन करवाना कि यहां लाना है। ये चीजें आपसे कंफ्यूजन में जब आप बनाओगे क्वेश्चंस तो ये सब चीजें आपको लैंग्वेज में मिलेंगे, वहां पर आपको कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो यही सब कंफ्यूजन रह जाता है जो हमें क्वेश्चन बन नहीं पाता है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से समझ पाए चीजों को कि ये चीज का मीनिंग क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू कैसे इक्वल है, तो चीजों को अगर हम इंटरनली अगर जाके उसमें डेप्थ में हम समझे तो हमें फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में या लॉजिक लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए उसको डेप्थ में समझना जरूरी है। ओके, कोई डाउट है तो बोलो।